सेना प्रमुख जनरल नरवणे की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकी गतिविधियों का पाकिस्तान बिल्कुल समर्थन ना करे, यहां पर यह चेतावनी दी है इंडियन आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने। उन्होंने कहा पाकिस्तान सेना घुसपैठ में आतंकियों की मदद कर रही है, पाकिस्तान आर्मी की ऐसी गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, यह कहा है आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने। साफ यहां पर चेतावनी कि पाकिस्तान की सेना है वो सुधर जाए। पोथी साहब क्यों नहीं सुधरते आप लोग, आपने यहां पर किया शांति समझौता सीज फायर को लेकर और उसके बाद भी आप उसका वायोलेशन कर रहे हैं, तो दुनिया आपको क्यों कंसीडर करेगी? दुनिया तो आपको अलग थलग करेगी कि आप अपने वादे तक पे नहीं खरे उतरते। मैं जनरल नरवाना को ये मशवरा दूंगा कि 9 लाख तो उनकी फौज सिर्फ कश्मीर में है, अगर अब भी वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो लोग वहां पे आजादी की जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो उस फौज की और काम लगा दें। 9 लाख की फौज अगर 80 लाख की आबादी पे कंट्रोल नहीं रख सकती, आंकड़े तो कहां से लाते हैं? ये आंकड़े कहां से लाते हैं पोती साहब? क्या कहां से लाते हैं? हाँ, कहां से लाए आप? क्या इसका वो है 9 लाख का? भाई मैं पूछ रहा हूँ, 9 लाख अगर कश्मीर में, तो ये आंकड़े कहां से है आपके पास? सुने ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल उनसे कंट्रोल नहीं होती तो उनसे टॉयलेटें बनवाएं या और कोई काम करवाएं। आप क्यों ब्लेम दे रहे हैं जबकि दुनिया ये मान रही है? मतलब पाकिस्तान की सेना ये करवाती है अपने सैनिकों से, पाकिस्तान की सेना यही करवाती है अपने सैनिकों से, क्योंकि हर बार तो मुंह की खाते हैं, चार जंगों में मुंह की खा चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सब हो चुकी है आपके ऊपर, आप यही करवाते हैं क्या? किसना साहब आप कुछ कह रहे थे? बैन डेली हो रखी है और बात करते हैं टीवी चैनलों पर बैठ करके। आप क्या कह रहे थे इनको 9 लाख के ऊपर, क्या कह रहे थे किसना साहब? देखिए गौरव जी, 12 लाख की फौज है पूरी के पूरे चाइना को हमने ऐसे थप्पड़े मार रहे हैं, तो यानी 9 लाख लगा दिया जम्मू एंड कश्मीर में, तो हम क्या हमने घास काट रहे हैं चाइना के साथ? ये जो पोथी साहब है ना, इनको बोलिए पोथी पोथी जगमुआ पंडित भाया रखो, अरे भैया कुछ पढ़ के आइए, कुछ डिबेट करते हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।